डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर, आज स्ट्रेंथ मटेरियल में एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं बेसिकली। और इस न्यूमेरिकल का जो कॉन्सेप्ट आप देखेंगे तो दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस। बेसिकली डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस हम लोग पढ़ चुके हैं और दोनों का कम्बिनेशन देख चुके हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन ए बीम इज सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस बोथ एट द सेम मोमेंट। ठीक है, तो ये डायरेक्ट स्ट्रेस का एग्जांपल था, लेकिन थोड़ा भी इसेंट्रिक होगा, थोड़ा सा भी सेंटर से अलग होगा तो दैट इज कॉल्ड इसेंट्रिक। और जब वो लोड लगाएंगे तब आपका जो है इसके अंदर टेंसाइल फोर्स जनरेट हो जाता है और जिसके चलते कॉलम या बीम टूट जाता है। ठीक है ना, तो आइडियली कंडीशन में तो एक्सिस पे ही लोड लगाना चाहिए, लेकिन कई बार एक्सिस पे नहीं लगाते हैं हम लोग, थोड़ा सा हट करके लगाते हैं। तो ये न्यूमेरिकल बनाने के लिए ज़रूरी है कि लेक्चर नंबर 86 इसके जस्ट पहले आप देखे हो। इसका वीडियो के आई बटन में आप देखेंगे तो ये आपको लेक्चर नंबर 86 दिख जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, या स्ट्रेंथ मटेरियल का जो आपका प्लेलिस्ट है यूट्यूब, जो आपका अपना चैनल है, ठीक है ना, आपने इसको काफ़ी लाइक किया है, काफ़ी प्रमोट किया है, तो उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। और आप खुद एक जो है रेगुलर जो है व्यूअर हैं, आप देखते हैं, आप सब्सक्राइब करके रखे हैं, इसके लिए भी थैंक यू। और आप इस स्ट्रेंथ मटेरियल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये लेक्चर नंबर 86 दिख जाएगा, और 86 दिखने के बाद ही आप जो है बना पाएंगे इस न्यूमेरिकल को। तो एनीवे, हमारा न्यूमेरिकल ये आया था, कैसे आया था इसकी पूरी राम कहानी बहुत जो है उसमें डिटेल में हमने बताए थे, बहुत डिटेल में हमने बताए थे कि कैसे किसी उस पर लगता है। तो इसको निकालते हैं, आज फिर एक बार समय आ गया है कि हम इसके ऊपर, ये हमारा इक्वेशन आया था और फाइनली सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम ये निकाले थे। तो मैक्स में ये पी बाई बी डी 1+6ED और इधर पी बाई बी डी 1-6ED, ये हमने ऐसा निकाला था दोस्तों। तो इस न्यूमेरिकल को अब हम डायरेक्ट देखें बिना समय गंवाएं। ठीक है, क्या बोल रहा है न्यूमेरिकल, एक बार पढ़ेंगे, इसको अंडरलाइन करेंगे। और कोई भी दुनिया में न्यूमेरिकल हो, पहले लिखते हैं क्या गिवन, फिर टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है वो देखते हैं, और फिर क्या हम उसमें प्रोसेस या मेथड लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये हॉलो रेक्टेंगुलर कॉलम ऑफ, अभी हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन है, तो हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो इसका विड्थ और कुछ लेंथ ये सब दिया होगा, तो लीजिए, दिया है तो ठीक है, नहीं तो मैं लिख लेता हूँ। ये जो है इसका डेप्थ जो है, ये आपको ये डेप्थ जो है आपको कितना दिया है, 1000 या 1 मीटर दिया है ना, तो 1000 mm में हो जाएगा। और जो है इसका डेप्थ जो है कितना दिया है, इसका डेप्थ कितना दिया है 800। ठीक है ना, एक्सटर्नल विड्थ इज 10 cm थिक, 10 cm क्या है ठीक है, 10 cm ठीक है, मतलब इसका इनर का कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक आप निकालेंगे तो 1000 और इधर 100 और इधर 100, मतलब कितना बचेगा, 800 और इधर आप देखेंगे तो 10 इधर निकल गया और 10 इधर निकल गया, कितना बचा 600। तो इसका एरिया निकालेंगे आप यदि, तो एरिया क्या होता है BD-BD, रेक्टेंगल है तो सिंपल सा लॉजिक है, क्या होगा BD-BD, दैट मीन्स कि बी 1000 × 800 − 800 × 600 mm में लिए हैं सब चीज़। ठीक है, तो इसका आपको एरिया निकल जाएगा कितना, आप कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, मेरे तरह आप भी कैलकुलेटर रखिए, यदि हमको कैलकुलेटर रखने में दिक्कत नहीं है तो आपको भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चे क्या मोबाइल से ही कैलकुलेट करते हैं, एग्जाम में मोबाइल अलाउ नहीं रहता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर चलाते हैं, अच्छी बात है, ऑनलाइन एग्जाम में आपको हेल्प मिल जाएगा, बट कैलकुलेटर रखिए। तो इसका आप निकालेंगे तो इट विल कम अराउंड 32 × 10⁴ mm का स्क्वायर आएगा। फिर मोमेंट ऑफ इनर्सिया IXX निकालने हम निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका BDQ/12 − BDQ/12, यही होता है, इसको आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट हियर अप्रोक्सीमेटली 28 × 10⁴ mm⁴ मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकल गया। और मोमेंट निकालेंगे क्या, P × E,
यहाँ देखिए दिया है कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेस इन द सेक्शन ऑफ द कॉलम ऑफ ए वर्टिकल लोड ऑफ, अभी लोड का वैल्यू दिया हुआ है आपको, देखिए यहाँ पर ये दिया है कि नहीं, लोड एक्टिंग ऑन इसेंट्रिसिटी ऑफ 15 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पर आपको इसेंट्रिसिटी दिया है 15 सेंटीमीटर और लोड दिया है 200 किलो न्यूटन, तो मोमेंट कितना निकलेगा पी इंटू ई, तो पी कितना हो गया 200 किलो न्यूटन है तो 3 और 15 क्या है सेंटीमीटर है, तो 10^-2 मीटर में कन्वर्ट कर दिए, और ये सब मिलीमीटर में निकाल रहे हैं तो इट इज़ बेटर कि इसको मिलीमीटर में निकालें, तो 15 सेंटीमीटर को 150 ले लें एमएम में, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 15 × 30, तो दैट मीन्स कि 30 × 10^5 न्यूटन मिलीमीटर हो गया। इक्वेशन क्या है बेंडिंग का, एम अपन आई इक्वल टू सिग्मा बी अपन वाई और सिग्मा बी इक्वल टू क्या होगा, एम अपन आई इंटू वाई, ठीक है। और वाई जो है यहाँ पर क्या होगा, देखिए तो ये 800 है ना, नहीं ये पूरा 1000 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक्स लिए है ना, यहाँ पर एक्स मतलब कि इस वाले सेक्शन में, तो क्या होगा 800 टोटल है तो आधा कितना होगा 400, तो वाई जो है प्लस माइनस क्या होगा 400 होगा कि नहीं, तो वाई क्या होगा प्लस माइनस 400। एम आप निकाल लिए हैं, आई भी निकाल लिए हैं आप, ठीक है ना, तो इससे आपका अब सिग्मा बी का वैल्यू रख दीजिए, एम का वैल्यू रखिए, देखिए यहाँ पर रख देते हैं सिग्मा बी, एम का वैल्यू क्या है एम अपन आई इंटू वाई, एम कितना है दोस्तों, और ये प्लस माइनस में जाएगा ध्यान देखिएगा, एम कितना निकाले हैं आप 30 × 10^5 अपन आई, आई कितना निकाले आप ये 28 × 10^9 इंटू वाई, वाई मतलब डी बाई टू मतलब 400, ठीक है अभी निकाले हैं ना 400, तो इसका कुछ वैल्यू निकलेगा किसमें प्लस माइनस में, ठीक है ना, इसका प्लस माइनस में निकालेंगे तो प्लस माइनस 0.4246। व्हाट अबाउट द डायरेक्ट स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस निकालिए, सिग्मा नट क्या होता है पी बाई ए, पी कितना है 200 किलो न्यूटन 10^3 अपन एरिया, एरिया क्या बताए थे अभी, एरिया आप निकाले हैं बताना क्या है, ये देखिए यहाँ पर अभी आप निकाले हैं ना यहाँ पर 32 × 10^4 तो 32 × 10^4, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये डायरेक्ट स्ट्रेस कितना आएगा 0.625। नाउ रिजल्टेंट स्ट्रेस कितना होगा, सिग्मा नट प्लस माइनस सिग्मा बी, जब प्लस लेंगे तो क्या हो जाएगा मैक्सिमम स्ट्रेस, सिग्मा नट प्लस सिग्मा बी, सिग्मा मैक्स निकल करके आपका आएगा इसको 0.624, और इसको दोनों को आप क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो ये आई थिंक 1.04 आएगा, और ये पॉजिटिव आया आना भी चाहिए, कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा, ठीक है ना। और यूनिट क्या होगा न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। उसी तरह से सिग्मा मिनिमम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा सिग्मा नट माइनस सिग्मा बी, सिग्मा नट का वैल्यू कितना निकला है 0.624 माइनस ये क्या हो जाएगा 0.4246, ये देखिए 0.26 आया, ये क्या आया पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया मतलब क्या कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है ना, कंप्रेसिव स्ट्रेस दैट मीन्स दैट इज बीम इज इन सेफ कंडीशन। अब दोस्तों यहीं यदि ये निगेटिव आ गया रहता तो बीम हमारा टूट जाता, या कर्नल का कॉन्सेप्ट यूज करते, ठीक है। तो आई होप कि ये छोटा सा एक न्यूमेरिकल था, बच्चा सा न्यूमेरिकल था, इस छोटे छोटे न्यूमेरिकल को ही बना करके आप जो है कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, और भी कई जगह पूछे जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो हर जगह बन जाएगा, नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कहीं नहीं बनेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ज़रूरी है कि ये लेक्चर नंबर 86 टू लेक्चर नंबर 90 जरूर देख लीजिएगा एक बार। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बी हैप्पी।
बी हेल्दी एंड कीप ऑलवेज स्माइलिंग. थैंक यू.